कन्फर्म टिकट वाली बात नहीं है ना। आज प्रधानमंत्री कहता था मैं फलानी सीट से अगली बार लड़ूंगा, पार्टी कहती है कि तुम वहाँ से लड़ो। आज कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता मेरा टिकट पक्का है, कोई मंत्री नहीं कह सकता, कोई विधायक नहीं कह सकता। हिमाचल का सियासी पारा गरमा चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा करके माहौल को गरमा दिया है, मगर मिशन रिपीट में लगी बीजेपी के लिए रहा आसान नहीं, खासकर उपचुनाव के नतीजों के बाद। यही कारण है कि बीजेपी ने मार्गदर्शन में डाले नेताओं को तलाशना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जहां बीजेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात की, वहीं रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मीडिया से बात की। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान पे अपनी राय रखी और कहा कि कांग्रेस के राज में हिमाचल को कुछ नहीं मिला, वहीं सीएम का टिकट भी पक्का नहीं होता बोलकर उन्होंने कुछ संकेत जयराम ठाकुर को भी दे दिए। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि जेपी नड्डा बोल गए हैं कि किसी की भी सीट पक्की नहीं है, तो जो कुछ प्रेम कुमार धूमल ने कहा उसे सुनकर हर किसी के चेहरे पर की, आप भी सुनिए। आज प्रधानमंत्री कहता था मैं फलानी सीट से अगली बार लड़ूंगा, पार्टी कहती है कि तुम वहाँ से लड़ो। आज कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता मेरा टिकट पक्का है, कोई मंत्री नहीं कह सकता, कोई विधायक नहीं कह सकता, कोई पूरा विधायक नहीं कह सकता, मेरे और सत्ता जैसे लोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी ही दायित्व देती है। किसी पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना कि मोदी अमित शाह के राज में सीएम को भी नहीं पता होता कि कब तक वो सीएम रहेगा, बड़ी बात है, मगर इस बात में सच्चाई भी है। अगर आप 2021 में जाएंगे तो पाएंगे कि बीजेपी शासित 3 राज्यों में 6 महीने के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। इनमें गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल थे। मगर बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या प्रेम कुमार धूमल ने जयराम ठाकुर के लिए बड़ा संकेत दे दिया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।